राष्ट्रीय राजमार्ग में बस और स्कॉर्पियो की टक्कर से जगदलपुर के 3 युवाओं की मौत हो गई। दुर्घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी युवक एक स्कॉर्पियो वाहन से अपने दोस्त के यहाँ शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान फरस गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी एक यात्री बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अन्य 2 स्कॉर्पियो सवारों को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे में घायल एक व्यक्ति का इलाज फरस गांव में ही चल रहा है। दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए फरस गांव थाना प्रभारी विनोद साहू ने बताया कि महिंद्रा बस CG19F0288 यात्रियों को लेकर रायपुर से बीजापुर जा रही थी। देर रात 2 बजे के करीब यह बस फरस गांव के चिचारी नाला के पास जगदलपुर से कोरबा की ओर आ रही स्कॉर्पियो वाहन से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में जगदलपुर के 3 युवक सतीश राव, पिंकू चौहान, मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार 2 अन्य टीनू टेकाम कुलमन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। इस दुर्घटना में एक अन्य घायल रितेश पटेल का उपचार फरस गांव में ही चल रहा है।